हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो यहाँ पर 22 क्या लिखा है। क्वेश्चन यहाँ पर 2x-3 = यह है 3/10। फिर यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा है, 5x-12। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका 2x-3 = अच्छा 3/10। इसके अंदर मत देखो, ये सिंप्लीफाई जैसे हमने अलजेब्रा में जैसे किया था वैसे ही करना है आपको उसको, ठीक है। तो सेम वही सिंप्लीफाई करना है आपको। देखो ध्यान से, तो 3/10 5x के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है और 3/10 आपका 12 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो पहले साइन मल्टीप्लाई देन कॉन्स्टेंट देन वेरिएबल। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर निकलेगा बताओ। तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा, मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। 3/10 को मल्टीप्लाई करोगे 5x, मतलब 5 से पहले साइन मल्टीप्लाई हो गया तो कितना प्लस होगा। अब हम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 2, 3/2। तो यहाँ लिख दो 3/2। उसके बाद वेरिएबल मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर x होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस। देखो जो हमने अलजेब्रा में पढ़ा था बच्चों वही हम कर रहे हैं। RHS में जो जो गिवन है यहाँ पर एक्सप्रेशन, वो आपने अलजेब्रा में से किया हुआ है। 3/10 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, पहले साइन मल्टीप्लाई हो गया देन कॉन्स्टेंट। 3/10 इंटू यहाँ पर करो 3/10 इंटू कितना 12। याद रखो यहाँ पर माइनस मत देना। ये कितना हो जाएगा, 2 से करो कितना, ये हो गया 5। तो कितना हो जाएगा 18/5। यहाँ पर आप लिख दो 18/5, ठीक है। समझ में आ गया 18/5 हो गया। अच्छा यहाँ तक सबको क्लियर। अब देखो, अब हम जो हमारा फॉर्म है लीनियर इक्वेशन जो हम कर रहे थे उसे करेंगे। तो वेरिएबल पार्ट यहाँ पर इसको इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3x/2 हो जाएगा आपका यहाँ पर इक्वल टू, इधर तो माइनस 18/5 है, ये माइनस 3 इधर आ जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा इधर, ठीक है। यहाँ पर सब इम्प्लीसेशन है बच्चों, ठीक है। यहाँ इम्प्लीसेशन दे दो, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आप यहाँ पर दे देना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आंसर, ये हो गया 2, इधर हो जाएगा 4x-, ये कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 5, ये हो गया -18 प्लस, ये कितना हो जाएगा 15। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आंसर हो जाएगा आपका x/2 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 18 से 15, ये कितना हुआ प्लस माइनस माइनस, तो ये होगा -3/5। दैट इम्प्लाइज इसको आप सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा x/2 को बच्चों हम लिख सकते हैं कितना, चलो इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ऐसे। तो कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा -6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -6/5, ठीक है। x का वैल्यू कितना निकला -6/5। सब बच्चों को समझ में आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं LHS और RHS। चलो हेडिंग लगा लो, सब बच्चे हेडिंग लगा लें। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर बाकी रह गया, सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने इसको इरेज नहीं किया, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हेडिंग लगा लो चेक। LHS में क्या है बताओ, यहाँ पर है 2x-3 है LHS में, तो वैल्यू यहीं पर निकाल लो, यहीं पर साइड में निकाल लेते हैं हम। देखो 2 इंटू एक्स की जगह पे कितना है -6/5 है -3, यही है ना हमारा LHS 2x-3 था। तो देखो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ साइड में कर दिया 2 इंटू -6/5 यहाँ पर -3। इसको सॉल्व करेंगे कितना आंसर निकलेगा -12/5-3, क्योंकि पहले इंटू होगा। इसको सॉल्व करो आंसर कितना निकलेगा, 5 हो गया आपका LCM, ये हो गया -12, यहाँ पर इंटू हो जाएगा -15, तो कितना हो जाएगा -27/5 निकलेगा LHS। अब देखो RHS करना है हमें, तो RHS का हेडिंग लगा लो। RHS क्या है हमारा पहले हम देख लेते हैं। RHS के यहाँ पर नीचे लिखो 3/10, फिर ब्रैकेट में 5x-12, यही है हमारा RHS, ठीक है। RHS हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखो इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 3/10, ठीक है। यहाँ पर 5 इंटू
फाइव इंटू एक्स है ना, तो एक्स का यहाँ पर लिख दूंगा मैं -6/5, ठीक है, ये पे -12, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये हो गया आपका 3/10, यहाँ पर इम्प्लीसिट नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन ही रहेगा, तो यहाँ पर 5 5 कैंसिल हो गया, कितना रहा ब्रैकेट के अंदर -6 और -12, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर निकलेगा, माइनस ये 3/10 ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर कितना -18, तो इसका आंसर निकला 3/10 इंटू -18, ठीक है, यहाँ पर इंटू होगा ना, रिलेशन इंटू इधर होगा, इसको सॉल्व करो बच्चों कितना आंसर निकलेगा, 18 × 3 कितना होता है, 18 × 3 होता है 54, -54/10, इसको आप लोएस्ट टर्म करो तो ये हो गया 5, जो 2 से गया तो 5 हो जाएगा, 2 से गया तो कितना हो जाएगा 27, ठीक है, -27 ये माइनस है ना, तो -27, तो आंसर निकला -27/5, देखो LHS क्या निकला था हमारा, देखो -27/5, यहाँ पर -27/5, तो यहाँ हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, तो देखो हमारा वेरीफाई हो गया, चलो हो गया हमारा काम, ठीक है, यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई, आई थिंक सब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, देखो दोनों सेम निकला, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, तो चलो इस वीडियो में इतना ही, बाय।